ये स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट. अब देखो वही अगर यहाँ पे हमने क्या पहले क्या बोला, जब भी हमने डिवाइड किया एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से, अब यहाँ देखो एक पॉजिटिव को डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव से, तो भी क्या आ रहा है आंसर जो आ रहा है, मतलब आप देखो 8 9 72 किया, ठीक है, तो 8 9 72 और आगे माइनस लगा दिया. मतलब अगर एक नेगेटिव और पॉजिटिव का, ठीक है, डिवीजन जब हो रहा है तो वो दो नंबर में से एक अगर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो होल नंबर की तरह उनको डिवाइड करो और आगे माइनस का साइन लगा दो. देखो सेम आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, 8 -9 = 72, -9 -8 = 72, देन -10 5 = 50, -5 -10 = 50, राइट. सो वी कैन से दैट वी डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर, जब एक डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है, किससे, एक नेगेटिव इंटीजर से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उनको डिवाइड करते हैं होल नंबर की तरह 8 9 = 72 और उसके आगे क्या लगा देते हैं माइनस साइन एंड देन पुट अ माइनस साइन, ओके, बिफोर द क्वेश्चन, ठीक है. सो इन जनरल फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर और किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ए और बी, मतलब ए डिवाइडेड बाई माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाय बी. ये मत ध्यान से देखो a डिवाइडेड बाय माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाय बी, बस माइनस साइन इधर उधर हो सकता है, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते हो कि a डिवाइड बाय माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाय ए, नो वो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, अभी आप देखेंगे आगे, ठीक है. सो a डिवाइड बाय माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाय बी, ओके, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ बी क्या हो, जीरो के इक्वल ना हो, ठीक है. तो यहाँ पे भी कुछ ट्राई दीज के क्वेश्चन में करना क्या है, बस आपको सिंपल डिवीजन ही है, डिवीजन तो आपको आता ही है, राइट, तो डिवाइड करना है और बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम टीचर को जब भी देखो पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं, राइट, तो क्या करोगे, होल नंबर की तरह डिवाइड करोगे और आगे बस माइनस का साइन लगा दो, ओके. सो स्टूडेंट्स दिस इज योर होमवर्क. सो यू हैव गॉट अभी तक आपको दो क्वेश्चन, ये ट्राई दीज और ये ट्राई दीज होमवर्क मिल गए हो, राइट, येस. नाउ लास्टली वी ऑब्जर्व दैट. अब देखो एक और ऑब्जर्वेशन है, अभी तक हमने नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव किया ना, अब देखो नेगेटिव नेगेटिव, मतलब जब भी एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड किया नेगेटिव इंटीजर से तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, राइट. -20 डिवाइड बाय -4 क्या आएगा, 5 4 5 = 20, राइट, तो -4 5 = -20, -6 2 = -12, राइट. -30 डिवाइडेड बाय -8 तो क्या आएगा, 4 8 4 = 32, लेकिन हमें क्या चाहिए, -32, तो -8 × 4, राइट. अब देखो -9 5 = -45, क्लियर. सो वी कैन से दैट वेन वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर, जब हम डिवाइड करें एक नेगेटिव इंटीजर को जब एक दूसरे नेगेटिव इंटीजर से, देन वी उनको हम क्या करेंगे, होल नंबर की तरह डिवाइड कर देंगे और आगे कौन सा साइन लगेगा, प्लस का साइन, क्लियर. मतलब -a / -b किसकी इक्वल है, माइनस का साइन हटा दो, a डिवाइड बाय बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके. सो ट्राई दीज. अब यहाँ पे इसके ऊपर भी आपको तीन क्वेश्चंस हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस, सिंपल है, इसमें तो आपको माइनस साइन की भी चिंता नहीं करनी है, जो आंसर डायरेक्टली आएगा वही लिख दो बस, ठीक है. 4 = 36, यू ओनली टेल, 9 = right, तो सिंपल 9 आएगा, यहाँ पे साइन किसका रहेगा, पॉजिटिव साइन ही रहेगा, राइट, प्लस का साइन ही रहेगा, राइट, क्लियर. चलो नाउ 1.7 प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. स्टूडेंट्स तो अभी तक आपको तीन होमवर्क मिल चुके हैं, ठीक है, दिस ट्राई दिस दिस एंड दिस, ओके. सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर, सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू ऑब्जर्व द इंटीजर्स आर नॉट क्लोज इन डिवीजन, ऑफ कोर्स, क्योंकि तभी तो, क्या आप ही बताओ, -8 / -4 क्या आएगा, 4 2 = 8, लेकिन क्या बताओ, -4 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप ही बताओ, आएगा 4 1 = 4 4 2 = 8, मतलब 1/2, राइट, क्या आएगा 1/2, अब बताओ 2 और 1/2 इक्वल है, नहीं, ये 2 है और ये इसका मतलब क्या है, हाफ, राइट. अब बताओ और एक और चीज़, ये क्या है, इंटीजर है, और ये क्या है, इंटीजर नहीं है, और क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी की मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, जिसमें जब आप ए को, ए और बी को ऑपरेट करो तो जो वैल्यू आए मतलब वो भी क्या हो, वो भी उस ए और बी का, मतलब उस ए बी जिस सेट के पार्ट है उसी सेट का एक पार्ट वो भी हो. मतलब अगर यहाँ पे -8 और -4 क्या है, इंटीजर है, तो इनको डिवाइड करने पे जो वैल्यू आए वो भी क्या होनी चाहिए, एक इंटीजर, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, अब हमने -8 को -4 से किया तो 2 आया 2, इंटीजर है, लेकिन जब -4 को डिवाइड करेंगे -8 से तो क्या आ रहा है, -4/8 विच इज इक्वल टू 1/2, चाहे ऐसे भी कंसिडर करो तो -4/8 1/2 आया. नाउ टेल मी, इज 1/2 और इंटीजर, नो, इट इज़ अ रैशनल नंबर, वॉट इज इट, एक रैशनल नंबर है. तो अब बताओ क्या ये इनके सेट का पार्ट है, नहीं, हम तो इंटीजर के लिए चेक कर रहे हैं, राइट, और ये क्या इंटीजर है, नहीं है, इसका मतलब ये क्लोज्ड नहीं है, राइट, येस. अब देखो -8/3 क्या है, -8/3 क्या है, नहीं है, द रिजल्ट इज नॉट
एक सेकेंड, एन इंटीजर, और यहाँ पे आप बताओ दोनों ही केस में इंटीजर नहीं है, माइनस एट को जब थ्री से डिवाइड किया तो क्या आया माइनस एट अपॉन थ्री, और यहाँ पे जब थ्री को डिवाइड किया माइनस एट से तो क्या आया थ्री अपॉन माइनस एट, आप बताओ क्या दोनों में से एक भी इंटीजर है, एक भी नहीं है, तो रिजल्ट नॉट एन। वैसे देखा जाए यहीं पे ही जब हमने पहली बार किया तो जो आया ना वहीं पे ऑपरेशन हमारा स्टॉप हो जाएगा, क्यों, अगर यही नहीं इंटीजर है तो जाहिर सी बात है हमें क्या चाहिए कि जब ए को हम बी से डिवाइड करें तो जो वैल्यू आए वो भी क्या हो, इंटीजर हो, बिकॉज वी आर चेकिंग इट फॉर इंटीजर्स, राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, तो ये क्या है, ये क्लोज्ड नहीं है, सो आई जस्टिफाइड, सो वी नो दैट डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, लेट अस चेक इफ इट इज कम्यूटेटिव फॉर दिस इज ट्रू फॉर इंटीजर्स ऑल्सो, चलो देखते हैं कि क्या ये कम्यूटेटिव होता है डिवीजन, सो यू कैन सी दैट फ्रॉम द टेबल माइनस ए डिवाइड बाई माइनस फोर क्या है इज नॉट इक्वल टू माइनस फोर डिवाइड बाई माइनस एट, भाई जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया, जो मैंने यहाँ पे नहीं बोला था कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम इनको बस माइनस साइन कर रहे हैं, क्यों इनको हम ए डिवाइड माइनस बी इज नॉट इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई, बिकॉज यहाँ पे आप देखो क्लियरली मतलब स्टैब्लिश हो रहा है कि जो यहाँ पे इसको डिवाइड करने पे जो वैल्यू आई और यहाँ पे इसको डिवाइड करने पे जो वैल्यू आई दोनों डिफरेंट है, राइट, सो दे आर नॉट इक्वल, एंड सिंस दे आर नॉट इक्वल दैट इज वाई दे आर नॉट कम्यूटेटिव, राइट, सो इज माइनस नाइन डिवाइड बाई थ्री द सेम एज थ्री डिवाइड माइनस नाइन, आप ही बताओ ना, थ्री माइनस नाइन को थ्री से डिवाइड करोगे तो थ्री थ्री ज़ा नाइन तो क्या आएगा माइनस थ्री, और जब थ्री को डिवाइड करोगे माइनस नाइन से मतलब क्या आएगा थ्री अपॉन माइनस नाइन, मतलब क्या आएगा माइनस वन अपॉन नाइन, सॉरी वन अपॉन थ्री, राइट, माइनस वन अपॉन थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन, राइट, सो जस्ट सी माइनस थ्री माइनस वन अपॉन थ्री आर दे इक्वल, ऑफकोर्स नॉट, राइट, तो इसीलिए क्या है कम्यूटेटिव नहीं है। अब ऐसे यहाँ पे भी देख लो माइनस सिक्स को थर्टी से डिवाइड करो तो अब आपको ही पता है नेगेटिव नेगेटिव, तो सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, और माइनस सिक्स को थर्टी से डिवाइड करो तो क्या आएगा माइनस सिक्स डिवाइड बाई थर्टी तो क्या आएगा माइनस माइनस नीचे है तो ऑफकोर्स पॉजिटिव में आंसर आएगा वन अपॉन फाइव, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, सो फाइव एंड हेयर यू कैन सी वन अपॉन फाइव ऑफकोर्स नॉट इक्वल, सो दैट इज वाई दे आर नॉट कम्यूटेटिव, सो कैन वी से डिवीजन इज कम्यूटेटिव फॉर टीचर्स, नो, राइट, सो वी कैन वेरीफाई दिस बाई टेकिंग मेनी मोर एग्जाम्पल्स, सो स्टूडेंट्स रेस्ट विल बी, हम बाकी का जो है हम उसको हम नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे, राइट, टिल देन डू योर होमवर्क प्रॉपरली, आपका होमवर्क क्या है, दीज ट्राई दीज क्वेश्चन, राइट, आई एम गिविंग यू सम मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हेयर आर सम मोर होमवर्क क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्या करना है डिवाइड करना है, बाई का मतलब क्या है माइनस 124 को डिवाइड करना है किससे माइनस 6 से, ऐसे 86 को डिवाइड करना है किससे माइनस 12 से, राइट, ओके, यस, सो यू कैन नोट योर क्वेश्चन, I hope it is clear. Yes. And if anyone has any queries regarding SS Convent School, so they can contact on these two given numbers.